नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A15 वर्सेस Moto E7 Power का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Oppo A15 में 6.46 इंच जबकि Moto E7 Power में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Oppo A15 में 2.97 इंच जबकि Moto E7 Power में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Oppo A15 में 0.31 इंच जबकि Moto E7 Power में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Oppo A15 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Oppo A15 में 175 ग्राम जबकि Moto E7 Power में 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Oppo A15 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Oppo A15 में 6.52 इंचेस जबकि Moto E7 Power में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Oppo A15 में 83% जबकि Moto E7 Power में 81.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Oppo A15 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Moto E7 Power में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Oppo A15 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Moto E7 Power की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Oppo A15 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Moto E7 Power की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Oppo A15 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Moto E7 Power में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Oppo A15 में MediaTek Helio P35 और Moto E7 Power में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें रैम की तो Oppo A15 में 2 GB की रैम मिलती है जबकि Moto E7 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2 GB 4 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Oppo A15 में 32 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Moto E7 Power में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Oppo A15 में अप टू 256 GB जबकि Moto E7 Power में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Oppo A15 में 4230 mAh जबकि Moto E7 Power में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Oppo A15 में 3 कलर्स जबकि Moto E7 Power में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Oppo A15 में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 9,590 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें मोटो E7 पावर की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 6,999 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,299 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में ओप्पो A15 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 9 प्राइम है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा ओप्पो A53 2020 है जो कि 12,180 रुपए में मिलता है। तीसरा नोकिया 3.4 है जो कि 10,950 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y20 आई है जो कि 11,490 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।